चलिए सो so, मैं कुछ लिख रहा हूं स्क्रीन पे और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसको लिखें। रेडी एवरीबडी बच्चों नजर आ रहा है सबको चिल्ड्रन इज इट विजिबल टू ऑल सो अगर मैं सब बच्चों से पूछूं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इट इज रिटर्न एंटरप्राइजेस देन इट इज संकट मोचन एंड ब्रदर्स संकट मोचन एंड कंपनी संकट मोचन एल एल पी देन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संकट मोचन एजुकेशनल ट्रस्ट संकट मोचन एजुकेशनल सोसाइटी नजर आती है लोगों को वट इज दिमिलैरिटी चिल्ड्रेन कोई सिमिलैरिटी नजर आती है इन सब में क्या Name. अच्छा चलिए नेम्स, नेम्स है किस चीज के नेम्स हैं दीज आर The forms of business organization वो बात फर्क है कि कुछ profit making है यहाँ पे and some are non-profit making. But सब में common यही है children. These are so-called business organizations isn't it children? चलिए. तो छोटा सा मैं homework दे रहा हूँ लोगों को. आपको मेरे को इन सब को लिखने के बाद आगे list down करना है कि इन forms को बोला क्या जाता है. ये चीजें आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ी होंगी सो यू नीड टू आंसर मी वीज फॉर्म्स आर एक्चुअली कॉल्ड रेडी एवरीबडी पक्का तो ये नोट डाउन करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करिए करिएट सी किसने ग्यारहवीं में कितनी पढ़ाई की है तो सबने लिख लिया होगा चलिए द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वॉट चिल्ड्रन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड एक्सलेंट आंसर संकटमोचन एंड ब्रदर्स संकट मोचन एंड कंपनी संकट मोचन एल एल दिस इज पार्टनरशिप शायद एंड कंपनी देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे बट एंड कंपनी से वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं वॉट इज दिस चिल्ड्रन ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है इन द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी कुछ लोगों ने संकट मोचन एंड कंपनी को सोच लिया होगा इट इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तब होगा व्हेन द वर्ड्स एंड विद चिल्ड्रन लिमिटेड इफ इट इज ओनली लिमिटेड वी कॉल इट एज पब्लिक कंपनी और अगर प्राइवेट वर्ड लग गया साथ में देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन प्राइवेट कंपनी इतना सबको समझ में आ गया संकट मोचन एजुकेशनल ट्रस्ट संकट मोचन एजुकेशनल सोसाइटी नहीं नॉन प्रॉफिट तो है ही है यू कॉल इट एज ऑपरेटिव वॉट कोऑपरेटिव एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे सकता हूं यहाँ पे अमूल चिल्ड्रेन तो अर्ल अमूल वॉज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बट देर आफ्टर इट गॉट कन्वर्टेड इंटू अट ऑफ कंपनी और ये बन गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाउ इट the फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी सर फर्क क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में सोल प्रोपरेटरशिप पार्टनरशिप आपको पता है कोऑपरेटिव से हमको कोई लेना देना है नहीं लेना देना तो हमको प्राइवेट कंपनी से भी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी चिल्ड्रेन मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आर सेवन एंड मैक्सिमम इज इंफिनिटी इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इट इज जस्ट लाइक पार्टनरशिप मिनिमम पीपल आर टू एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं फिफ्टी दे कैन टेक फंड फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज बट सो कॉल्ड प्राइवेट कंपनी में एक्सटर्नल पार्टी पैसा नहीं दे सकती इन द सेंस ये जो पचास लोग होंगे ये कोई अननोन नहीं होने चाहिए ये आपस के फैमिली वाले या फ्रेंड्स एंड ऑल दट क्लोज रिलेटिव होने चाहिए तो ये इंटरनली ही पैसा लेगी इनका प्रॉपर ऑडिट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इनके केस में देर इज नो ऑडिट एक्सेप्ट 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 अंडर सर्कमस्टांसेस जहां पे सो कॉल्ड एग्जाम्शन मिला है एल्स प्राइवेट कंपनी का भी ऑडिट होता है बट देर आर सर्टन सर्कमस्टांस जहां पे प्राइवेट कंपनी को ऑडिट की जरूरत नहीं है फंडामेंटल लॉजिक जो डायरेक्टर्स होंगे वो एटलीस्ट तीन होंगे जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा यहाँ पे मिनिमम कितने होंगे दो एज पर कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये एक लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस कर सकते हैं मिनिमम बट इनके थिंग एज पर कंपनीउजेंड थर्टीन इतनी कहानी सबको समझ में गई तो कैसे पहचानेंगे कंपनी है नहीं? With the words, limited. So many people say कि नहीं विदर्ड लिमिटेड सो मेनी पीपल से नो इट्स अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड इट्स अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट और वट पब्लिक सेक्टर एच डी एफ सी बैंक चल रहे अगेन इट इज अ पब्लिक कंपनी क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है बिलोंगिंग टू वॉट तो प्राइवेट सेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्राइवेट कंपनी इज अ डिफरेंट थिंग इंडियन रेलवे डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी एक पब्लिक कंपनी है बट बिलोंगिंग टू पब्लिक सेक्टर फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड पक्का व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज चिल्ड्रन कि ये पब्लिक कंपनी कैसे अपने एक्यूमुलेट करती है repeat, children, so, इसके तीन सोर्सेस होते हैं चिल्ड्रन डू मेंशन पहला सोर्स हम लोगों को ओनर बनाएंगे और उनसे पैसा लेंगे एंड ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अटी स्मॉल अमाउंट इज नोन एज अ शेयर होल्डर और वो जो पैसा लगाते हैं इट इज नोन एज शेयर हम लोगों से पैसा लेंगे और उनको एक फिक्स्ड इनकम गारंटी दे देंगे as well as उनके पैसे के repayment का भी पूरा promise रहेगा children. That is known as debentures. तो डिबेंचर केस में जब आप पैसा लगाते हो किसी कंपनी में यू बिकम थिंग आपका प्रिंसिपल अमाउंट अश्योर्ड गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे इंटरेस्ट भी मिलेगा बट जब आप कंपनी के ओनर बनते हैं आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं अगर आप शेयर खरीदते हैं बट नॉट डिबेंचर्स तो शेयर जब आप खरीदेंगे आप ओनर बनेंगे एंड कंपनी आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करेगी प्रोवाइडेड कंपनी के पास प्रॉफिट हो और कंपनी आपको डिविडेंड देना चाहे प्रॉफिट हो गया देन टू कंपनी कैन डिनाई कि भाई वी आर अ न्यू कंपनी लेट अस इन्वेस्ट मोर एंड ग्रो मोर हम आपको डिविडेंड कुछ इयर्स के बाद देंगे तो प्रॉफिट होने पे भी डिविडेंड मिलना कंपलसरी नहीं है People understood this concept. का कोई रिपेमेंट नहीं होता बच्चों कंपनी बंद होगी पैसे होंगे तो मिलेंगे एल्स तीसरा है चिल्ड्रन पुरानी कंपनी के लिए नॉट फॉर न्यू कंपनी कहां से पैसे का जुगाड़मेंट करना रिजर्व से तो ये रिजर्व वाला जुगाड़मेंट फुट बी ओनली फॉर एनओल्ड कंपनी न्यू कंपनी सिर्फ और सिर्फ रियलिटी में शेयर्स ही इश्यू कर सकती है उसके डिबेंचर भी कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा तो सर फिर शेयर क्यों खरीदेगा ये तो और बेकार चीज है वेरी गुड क्वेश्चन शेयर वो लोग खरीदेंगे जिनको स्पेक्यूलेशन वगैरह थोड़ा सा करना है चलो खरीद ले कंपनी के भाई क्रीडेंशियल अच्छे लग रहे हैं और नई कंपनी के डिबेंचर भी कोई नहीं खरीदेगा जब तक कंपनी के शेयर्स किसी के पास नहीं होंगे वाई सर इसलिए कि जब आप अपना पैसा नहीं लगाओगे तो बाहर वाले लोग आपको लोन नहीं देंगे तो होता क्या है सिस्टम पहले लोग बिजनेस थोड़ा छोटा रखते हैं एंड दे सेटअप वॉट प्राइवेट कंपनी धीरे 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 वो बिजनेस बड़ा होता है और पैसे की जरूरत पड़ती है दे गेट इट कन्वर्टेड इन अ पब्लिक कंपनी बट ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल नहीं है कि पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए देन एक्सपैंड टू पार्टनरशिप देन आप प्राइवेट कंपनी देन पब्लिक ऐसा कोई रूल नहीं है बट जनरली बिजनेस चलता ऐसे ही है बेसिकली तो धीरू भाई अंबानी ने भी स्टार्ट किया था सबसे पहले सोल mm -hmm. प्रोपेटरशिप फिर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पार्टनरशिप कर ली देर आफ्टर दे कन्वर्टेड पार्टनरशिप इन टू अ पब्लिक कंपनी टाटा सन्स का नाम आपने सुना होगा बच्चों टाटा सन्स जो है इट्स अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन टाटा सन्स पैसा इतना कमा लिया कि उस पैसे से नए नए बिजनेस ओपन होते गए टाटा लोकोमोटिव लिमिटेड लिमिटेड, ताज लिमिटेड, नहीं गई तो पार्टनरशिप है अपने पैसे से कर दी उन्होंने। तो ताटा मोटर्स, ताटा मोटर्स, इट जितने हैं ये टाटा के ग्रुप ये सारे के सारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर बट इनके ऊपर सबसे ऊपर हाथ किसका है टाटा सन्स का है समझना क्या समझ में आ गया क्लियरली अंडरस्टुंड पक्का तो सबसे पहले आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो जनरली यू रिमेन सोल प्रोपराइटर उसके बाद आप पार्टनरशिप बनते हो धीरे धीरे आप प्राइवेट कंपनी खोलते हो उसके बाद आप पब्लिक कंपनी पे आ जाते हो बट अगर आप डे से भी पब्लिक कंपनी सेटअप करना चाहें तो ऐसा कोई रूल कंट्री में नहीं कि आप नहीं कर सकते आप बिल्कुल कर सकते हैं बट क्या लोगों का विश्वास होगा आपके ऊपर वो खरीदेंगे आपके शेयर नहीं खरीदेंगे जब ओनर्स का पैसा नहीं लगा तो लोन कोई भी आपको नहीं देगा समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात पक्का चलिए एनी क्वेरीज आ रही होगी लॉ ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन चलिए स्टोरी पुरानी है जो हमने पढ़ी थी मिस्टर संकट ट्वेंटी फोर इयर ग्रेजुएट है बढ़िया एमबीए कॉलेज से एमबीए किया ढेर सारे ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर किए पच्चीस लाख रुपए किसने दिया ना 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 जी, दा 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 जी, और इसने अपना बुलन गार्मेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया अकेला था बेचाराला भी खाता था अकेले तो बिजनेस कौन सा हुआ इसका सोल प्रोपरेटरशिप एटीएस तक बिजनेस बहुत बढ़िया चला बढ़िया नाम वगैरह हो गया मार्केट में सोचा कि थोड़े से पैसे और मैनेजरल एक्सपर्टाइज बेटर करने के लिए अपने कॉलेज फ्रेंड मोचन को साथ में अटैच कर लेते हैं क्योंकि उसको कभी मोच लगी नहीं आज तक उसके फ्रेंड ने भी पच्चीस लाख रुपए करने को हाँ बोल दिया। बिजनेस करके क्या बन गया में, में मल्टीपल कोर तरक्की करी रहा है। करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग में बट उसके लिए पैसे बहुत चाहिए कितने पैसे चाहिए बच्चों बीस करोड़ रुपए प्रॉब्लम पैसा कहां से आएगा घर वाले तो पैसा देंगे नहीं इन्होंने अकल लगाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ढेर सारी है दो करोड़ लोग तो हमको दस दस रुपए देने वाले मिलेंगे या इतने मनूस हैं कोई नहीं देगा पैसा आपको अगर ये लोग बोले भाई दस रुपए दे दो तो क्या दस रुपए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है देना अरे दस ही रुपए तो मांग रहे दे दो तो दो करोड़ लोग अगर दस दस रुपए दे, दे देंगे बच्चों तो ईजिली कितने पैसे आ जाएंगे ट्वेंटी करोड़ ये बीस करोड़ रुपए में चालीस लाख का लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया तीन करोड़ का एंड मशीनरी नौ करोड़ का रॉ मेटल बाकी खर्चे पाने के लिए साढ़े सात पौने आठ करोड़ सात करोड़ साठ लाख रख लिया बीस करोड़ों रुपए इस तरह से एलोकेट हो गया चिल्ड्रन इस बीस करोड़ के इन्वेस्टमेंट को एक साल बाद कितना होता हुआ देखा हमने ट्वेंटी फोर करोड़ कितना प्रॉफिट है फोर करोड़ चार करोड़ रुपए दो तो करोड़ लोगों में बचेगा तो एक पर्सन को कितना मिलेगा बच्चों टू रुपए और सबने पैसे कितने लगाए थे टेन तो दो रुपए दस रुपए का कितना परसेंटेज होता है 20 ये 20 पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है। दस रुपए जो आपने कंट्रीब्यूट किए थे इट इज नोन एज व्हाट शेयर दो रुपए का जो आपका रिटर्न था दस दस रुपए पे दैट इज नोन एज डिविडेंड इन लोगों को क्या बोलेंगे बेवकूफ शेयर होल्डर्स एंड दे आर द सर ये कुर्सी बैठेंगे बढ़िया ऑफिस में ना 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 ना, ना, ना। वहां पर तो संकट और मोचन बस यही दो बैठेंगे क्योंकि उन्हीं का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा है इनको बोलते हैं डीपीजी मतलब देवी प्रयाग गदा डॉमिनेंट प्रमोटर ग्रुप वोट डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप वोटिंग होती है और ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब इनका है तो इनके सारे वोट इन्हीं को ही मिलेंगे तो ये बैठेंगे सो कॉल्ड ऑफिस में जाकर तो अगर आपके पापा ने या मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं कि हम लोग मुकेश अंबानी में बैठ जाएंगे नो बिकॉज no. उनका इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा है समझ में आ गया तो और ये बीस करोड़ रुपए क्या बोला जाएगा बच्चों शेयर कैपिटल और इस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इसका मतलब है ज्वाइंट का मतलब फॉर कॉमन पर्पज स्टॉक का मतलब शेयर और कंपनी का मतलब ग्रो समझ में आ गया और मेरे एग्जाम्पल में मेरे कंपनी का नाम क्या है संकट मोचन लिमिटेड तो इट्स अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी प्राइवेट पब्लिक कंपनी समझ में आई बात कि नहीं तो सर प्राइवेट कंपनी की अकाउंटिंग हम नहीं पढ़ेंगे एज गुड एज पार्टनरशिप होती है एज गुड एज पार्टनरशिप ऊपर में बात गई इसीलिए पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट पचास रखी गई है कंपनी एक्ट के तहत पहले सौ की गई थी फिर देखा गया कि भाई जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसको तो पचास ही चल रहा है तो पार्टनरशिप का कानून सुपरसीड ना कर जाए इसको तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉक की लिमिट को कम करके पचास कर दिया एज पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विल बी हाउ मेनी चिल्ड्रन सेवन और मैक्सिमम इज नो लिमिट एज सच समझ में आ गई बात पक्का तो अपनी कॉपी में चिल्ड्रन हेडिंग डाल लीजिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और मेरी कंपनी का नाम अपनी अपनी कॉपी में लिखे और ये जो लोग आपको लेफ्ट राइट नजर आ रहे हैं दे ऑल आर द शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इसको सर इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये बीच वाले अंकल जी इन्हीं बीच वाले अंकल जी को हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे डीपीजी ये एक्चुअली में कंपनी के प्रमोटर्स ही होते हैं समझ में आ गई बात तो आपके पापा ने आज मान लीजिए कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी और सौ करोड़ रुपए आपके पापा का लगा उसमें नौ सौ करोड़ उन्होंने मार्केट में शेयर इशू करके इकट्ठा कर लिया हजार करोड़ तो हो गया बट आपके पापा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जिसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सौ करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो किसी का एक करोड़ है किसी का दो लाख है किसी का बीस हजार है किसी का सत्तर करोड़ है कुछ भी है बट सौ करोड़ रुपए पापा का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है अच्छा सर मान लीजिए चार पांच लोग मिल जाए और वोट आपको दे दें और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ढाई करोड़ है मैं फिर कंपनी का डीपीजी बन जाऊंगा बट ऐसा जनरली होता नहीं है okay? ओके क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ओरिजिनल ओनर्स या ओरिजिनल्टीब्यूटर्स का या प्रमोटर्स का आप उसको मैच नहीं कर सकते मुकेश अंबानी की कंपनी में रिलायंस में इफ आई से कि भाई चालीस हजार करोड़ का कंट्रीब्यूशन अकेले मुकेश अंबानी का है तो कोई दूसरा चालीस हजार करोड़ पे बहुत होता है वॉट इट क्लियर तो गूगल करके देख लीजिएगा रिलायंस की शेयर कैपिटल कितनी है उसमें मुकेश अंबानी का कितना

6,765 हजार सात सौ करोड़ रुपए मतलब आधा ही पैसा इन्होंने पब्लिक से मांगा है पूरा पैसा नहीं मांगा करंटली फोर्टीन डायरेक्टर्स हैं यहां पर सो कॉल्ड मैं इसको पंद्रह हजार ही अगर मान लू तो इसमें मुकेश अंबानी का शेयर कितना होगा लेट्स सी व्हाट इज द शेयर ऑफ मुकेश अंबानी 49.11 परसेंट अंबानी फैमिली ने पैसा लगाया कितना फोर्टी तो जब भी चेयरमैन के वोटिंग के लिए डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए वोटिंग होती है तो फोर्टी नाइन पॉइंट वन वन परसेंट वोट हमेशा किसको मिलेंगे हमारी फैमिली को मिलेंगे वो डेजिग्नेट मेरे को भी कर सकते हैं एज अ सी ओ एज बट चेयरमैन वही रहेंगे इन द आईज ऑफ लॉ ही इज द ओनर दे आर द ओनर समझ में आ गया तो पब्लिक सारी अगर मिल जाए तो रिप्लेस कर सकती है रिप्लेस करने के बाद सारे लोग जब मिल जाएंगे तो कुर्सी भी तो एक ही बैठेगा ना कुर्सी को कुर्सा तो बना नहीं देंगे सर सोफा लगवा दीजिए अरे सोफे में कम से कम इंडिया के दस लाख लोग होंगे तो दस लाख लोग में सर एक एक दिन सब ऑफिस जाएंगे पता लगा किसी का नंबर पंद्रह साल बाद आएगा तो पॉसिबल नहीं है वो दैट्स वाई डीपीजी का कॉन्सेप्ट बन गया है एनी वन इंडिविजुअल पर्सन विल बी होल्डिंग द ऑफिस इन फिजिकल कैपेसिटी समझ गए सब लोग अंडरस्टूड वॉट इज अंट स्टॉक कंपनी चलन पक्का चलिए सो हेयर इज द मीनिंग ये तो बहुत सिंपल मीनिंग है आपने इसको पढ़ा भी होगा कुछ खास बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इनविजिबल एंड इन टेबल असोसिएशन ऑफ पर्सन ये कौन होते हैं सर दे आर द चिल्ड्रन शेयर होल्डर्स बेसिकली हु प्रोवाइड वॉट कैपिटल का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी टू डू बिजनेस हैज अर्पेचुअल एग्जिस्टेंस मान लीजिए मुकेश अंबानी जी की उम्र हो गई नाइनटी फाइव ईयर्स और हार्ट अटैक से मर गए क्या कल से रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद नो पर्सन मे कम एंड गो बट द शो मस्ट गो ऑन भाई उनके जो लीगल एयर्स होंगे वो मैनेज करेंगे इसको लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है अगर मुकेश अंबानी जी की कंपनी में भगवान न करे नुकसान हो जाए आधा हिंदुस्तान डूब जाएगा बिना बाढ़ के पानी के अगर नुकसान हो जाए क्या मुकेश अंबानी की पर्सनल असर्ट बिक जाएंगी नो no. मैंने अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के दो लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं और कंपनी को भयंकर नुकसान हो जाए क्या मेरे घर की प्रॉपर्टी बिक जाएगी नो बिजनेस इज इज डिफरेंट डिफरेंट एंड लीगल आइडेंटिटी दे आर डिफरेंट पीपल अगर मान लीजिए कोविड में बिजनेस उनका निस्तो नाबूद हो जाता और क्रेडिटर्स को सौ करोड़ रुपए उनसे वसूलने हैं कंपनी की एसेट बिक के पांच करोड़ रुपए अरेंज हो पा रहा है बस तो क्रेडिटर्स का नाइनटी फाइव करोड़ देने के लिए अंबानी परिवार की पर्सनल असेट

पंद्रह हजार करोड़ का घर बनवाया डीएलएफ वालों से और दुबई उबई के कहीं से बिल्डर्स को लेके आए वो लोग ओमेक्स वालों को तो घर मुकेश अंबानी का अपना नहीं है वो नौकर है सर काश हम भी ऐसे ही नौकर बन जाए छह सौ लोग उस घर में रहते हैं लोग छह ही हैं बाकी सब नौकर चाकर हैं दो चार हेलीपैड है वगैरह 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 समझना क्या बट डोंट थिंक ये बड़े लैविश लाइफ है ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ उनसे ज्यादा लैविश है आपके पापा भी उनसे ज्यादा रईस है मोहल्ले में कहने को तो अपना घर है उनके पास तो अपना घर ही नहीं है समझना कंपनी के नौकर हैं कंपनी प्रॉपर्टी में रहते हैं आप कम से कम अपने घर में रहते हैं समझ आई बात आप तो पानी पूरी खा सकते हैं सड़क पे खड़े होके मुकेश अंबानी खा सकते हैं नहीं खा सकते चुरमुरा उन्होंने पता नहीं कितने साल पहले खाया होगा चूरन भी नहीं खाया उन्होंने कभी आज तक तो घर में मंगवा के भी नहीं खा सकते चूरन ऊपर आते, आते 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 उड़ जाएगा पूरा समझ में आई बात की नहीं समझ में आएगा और चाट का जो पानी होगा उनका वो मिनरल वाटर होगा उसका टेस्ट ही नहीं आएगा टेस्ट तो गंदे पानी वाली चाट खाता है समोसा कभी नहीं खा सकते सड़क पर रुकते हैं भुट्टा नहीं खा सकते हो। बड़ा बेकार जीवन है सर यही जीवन बढ़िया है सर खैर चलिए जोक सपाट नॉट अफेक्टेड बाय डेथ इन सोलवेंसी और जबराफ इनसे तो अगर मान लीजिए डायरेक्टर पगला जाए समझ में आ गया चेयरमैन पगला जाए एकदम से बैंक्रप्ट हो जाए पर्सनली कंपनी विल स्टिल

ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ अंपनी पीपल अंडर चिल्ड्रन नॉट पक्का ढेर सारे होते हैं बस आपको जो मेन समझना है वो ये समझना है प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसके लास्ट के दो शब्द क्या होंगे प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड क्लियर पब्लिक कंपनी वो होगी जिसका लास्ट का वर्ड होगा यह प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी है और यह पब्लिक सेक्टर की काफी बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं सर रिलायंस प्राइवेट कंपनी है तो भैया प्राइवेट कंपनी तो बाजार में शेयर कैसे आता है उसका तो एकदम सिंपल ब्रह्मास्त्र है एनी कंपनी शेयर एट द स्टॉक एक्सचेंज वो कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकती वो हमेशा पब्लिक होगी बट इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक कंपनियों की तो बाजार में शेयर होना जरूरी है ये जरूरी हमारा मन हम पब्लिक से पैसा लें हमारा मन हम पब्लिक से पैसा ना लें वॉट इट क्लियर बट अगर हमने पब्लिक से पैसे ले लिए हमारा शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली वी आर आ पब्लिक कंपनी खोपड़े में बात गई कि नहीं गई पक्का कंफर्म चलिए सो ये सब कंटेंट लिखा हुआ है थ्योरी का ये सब आपने पढ़ा हुआ है व्हाट्स अ गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बच्चों पब्लिक कंपनी होती है फर्क सिर्फ इतना होता है डायरेक्ट इंटरवेंशन किसका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनके जो सीईओ वगैरह होंगे बट जेनरलीसका होगा सेंट्रल या स्टेट आपने वी एस एन एल का नाम सुना होगा विदेश संचार निगम लिमिटेड किसी जमाने में ये टेलीफोन मिनिस्ट्री सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करती थी बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको चलाना पॉसिबल नहीं हमारे लिए तो टाटा वालों ने इसमें काफी पैसा लगाया तो अब वीएसएनएल बेसिकली टाटा कंट्रोल करता है लॉजिक अंडरस्टूड वेल फॉरेन कंपनी इंडिया में एक भी नहीं है मल्टीनेशियल्स ढेर सारी हैं सर बात तो वही हुई ना नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की पहली और आखिरी फॉरेन कंपनी थी उसके बाद जो भी कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आती है इवन चिल्ड्रन सोनी इनको पहले इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन यहां कराना पड़ता है नहीं तो ये आम पापड़ भी नहीं खरीद पाएंगे तो पहले आप इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर कराइए बिकम मल्टी नेशनल इन द नेम ऑफ इंडियन कंपनी तो फॉरन कंपनी आप बोल सकते हो सोनी सैमसंग ये फॉरन कंपनीज हैं बट इन द आइज ऑफ लॉ दे आर जस्ट एमएनसी क्योंकि इंडिया आके जब आप इंडिया में रजिस्टर हो गए तो आपका स्टेटस फॉरन वाला एकदम खत्म हो गया तो आप फॉरनर तभी होंगे दूसरे देशों में जब आपके पास इंडियन पासपोर्ट है एंड यू आर विजिटिंग अदर कंट्रीज अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करके अफगानिस्तान की सरेंडरशिप सॉरी सिटीजनशिप ले ली बच्चों तो आप इंडिया में हो जाएंगे अफगानिस्तान के सिटीजन बन जाएंगे आप समझ में आई बात की नहीं तो फॉरेन कंपनी बोलते हैं हम बकवास करते हैं इस तरह की बट कोई भी कंपनी इंडिया में फॉरेन कंपनी है ही नहीं बिकॉज एवरीबडी हैज टू गेट रजिस्टर्ड एज पर इंडियन कंपनी आया भैया पहले रजिस्ट्रेशन कराओ नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सुजुकी आया पहले मारुति के साथ कोलेबोरेट करो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड समझ में आई बात चंद्रन तो जब नाइनटीन एटी टू ए मारुति कार वाली कंपनी बनी तो इसका नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड वॉट मारुति उद्योग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया एट दैट टाइम इट वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी अराउंड नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फाइव के आसपास बात उठी कि अब इस कंपनी के पास काफी पैसे आ चुके है बच्चा बड़ा हो चुका है उसको अलग घर में बोल रहे और अलग अपनी बिजनेस चलाए तो कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी अब इसको सरकार की जरूरत नहीं है सरकार ने इसको कन्वर्ट किया और मारुति उद्योग लिमिटेड से क्या बना दिया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इट बिकेम अ पब्लिक कंपनी और उन्होंने अपने हजार दो हजार करोड़ रुपए शेयर्स के फॉर्म में आपके पापा मम्मी को शेयर भेज दिया तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींच लिए और आपके पापा मम्मी के हाथ लगवा दिए नहीं समझ आए पक्का तो आपके पापा ने घर खरीदा दो चार पांच साल वहां रहे बढ़िया बाहर मिला बेच के निकल लिए उद्योग लिमिटेड नाम भी थोड़ा घटिया सा था ना सरकारी थी बेसिकली मतलब थोड़ा चाइल्डिश नाम था सेफ्टी वाला नाम था अब गवर्नमेंट ने सोचा हमारा पांच हजार करोड़ रुपया लगा है दस दस रुपए के कागज क्रिएट किए गए पांच सौ करोड़ कागज के टुकड़े व्हाट पांच सौ करोड़ कागज के टुकड़े और हर कागज के टुकड़े को नाम क्या दिया गया शेयर और ये कागज के टुकड़े आपके पापा को मेरे पापा को मेरे को आपको सबको बेच दिए गए तो दिस बिकेम फ्रॉम अ गवर्नमेंट कंपनी वॉट चिल्ड्रन गवर्नमेंट कंपनी से क्या बन गई पब्लिक कंपनी तो गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकाल लिया क्या कर दिया गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया ओके एंड नाउ इट इज अ पब्लिक कंपनी समझ गए बात को एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चलिए Shall I सारी कहानी समझ में आ गई सबको तो जितने मिथ थे कि Reliance, that, सारे हो गए तो बस एक चीज याद रखिएगा आपको एक और कंपनिया नजर आ रही होगी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है ये इट्स अ पब्लिक कंपनी बट यूपी गवर्नमेंट का ही पैसा लगा है और किसी आउटसाइडर ने पैसा नहीं लगा प्योर प्राइवेट गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट हैंडल करती है किसी का बाहर से इंटरवेंशन नहीं है तो सबसे पहले हम आइडिया कंसीव करते हैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि झाड़ू बनाएंगे या मोमोज बनाएंगे देन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई होता है और हमको क्या मिल जाता है बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ही आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको यह सर्टिफिकेट जिस दिन मिलेगा इसी दिन आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बट इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी चिल्ड्रन तो आज अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आप पब्लिक से पैसा वगैरह लीजिए रिसोर्सेस क्रिएट करिए फिर जाइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में और उनसे बोलिए कि हम एक साल पहले इनकॉर्पोरेट हुए थे विदिन दिस ईयर हमने लोगों से पैसे ले लिए शेयर बेच के लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया फैक्ट्री वगैरह सब स्टार्ट है मतलब स्टार्ट होने वाली है आप हमको परमिशन दीजिए बिजनेस स्टार्ट करने की अगला सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंट ऑफ बिजनेस तो प्राइवेट कंपनी को सो कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमसमेंट ऑफ बिजनेस तुरंत मिलता है बट पब्लिक कंपनी को एक साल के बाद मिलता है समझ गए बात की सिर के ऊपर से उड़ गई पूरी की पूरी लॉजिक क्लियर आई रिपीट प्राइवेट कंपनी को दोनों सर्टिफिकेट एक साथ मिलते हैं क्योंकि उनको पब्लिक से पैसा तो लेना नहीं है तो व्हाई टू मेक देम वेट फॉर दिस टाइम प्राइवेट कंपनी अपने पैसे से बिजनेस करती है पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने हैं असेंबल करने हैं सेटअप करना है बिजनेस तो दे विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमिसमेंट आफ्टर व्हाट टाइम 1 साल के बाद कोपले में बात गई पहले ही बता दिया आपको दो तरह से पैसा ले सकती है कोई भी नई कंपनी शेयर्स एंड और पुरानी कंपनी के लिए क्या चल रहा है याद रखनी है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल पढ़ा होगा क्लास में आपने मैं फोकस कर देता हूं थोड़ा सा ये क्या है सर नाक की दवाई है ना सोलिका नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एवरी कंपनी एज अ डिफरेंट नेम हर कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस होता है हर कंपनी का ऑब्जेक्ट अलग होगा कोई मोमोज बेचेगी कोई झाड़ू बेचेगी कोई सैटेलाइट का रॉकेट बेचेगी अगर आपने शेयर में पैसा लगाया और कंपनी को नुकसान हो जाता है तो आपका नुकसान कितना होगा ओनली वॉट यू हैव इन्वेस्टेड या आपकी पर्सनल जायदाद भी बिक जाएगी तो पुराने जमाने में दो तरह की कंपनी होती थी कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कंपनीज विद अनलिमिटेड नुकसान हुआ तो घर की प्रॉपर्टी बिक जाएगी पूरी आज ऐसी कंपनीज नहीं होती कितना पैसा कंपनी कैपिटल के नाम पे पब्लिक से वसूलेगी दैट इज नोन एज रिटर्न इन कैपिटल क्लॉज कुछ लोगों को शेयर्स दें या सारे शेयर बैंक को बेच देते हैं और बैंक से बोलते हैं भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने आई रिपीट तुम जानो तुम्हारा काम जाने दैट इज एसोसिएशन क्लॉज तो आप आईपीओ लॉन्च करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर अलग अलग लोगों को शेयर आप खुद बेचेंगे और यू गेट इन टच विथ सम आप अपना पूरा शेयर उसको बेच दीजिए वो बाजार में बेचे ना बेचे आपको पैसे मिल गए मौज करिए, इज दैट अंडरस्टूड तो ये होते हैं चिल्ड्रेन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये हर कंपनी के अलग होंगे किसी भी कंपनी का सेम नहीं होता तो इट्स जस्ट लाइक आपका डीएनए आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपकी साइकोलॉजी आपका मेंटल लेवल किसी और का मैच कर ही नहीं सकता इज दैट क्लियर क्या होता है? काफी चीजें जो कंपनी की इंटरनल बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। ये तो भाई कंपनी टू कंपनी सेम हो सकती है एयरटेल भी सो कॉल्ड बिजनेस करता है रिलायंस भी बिजनेस कर रहा है दोनों टेलीकॉम के लाइसेंसेस लेते हैं दोनों कंपनीज में लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं तो इंटरनल वर्किंग का जो डॉक्यूमेंट है इट इज नोन एज आर्टिकल्स ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है नोन एज चिल्ड्रन तो दैट इज कॉल्ड एज वॉट बट हर कंट्री में गवर्नमेंट है हर कंट्री में पोलिटिकल पार्टीज है हर कंट्री में बाइंग सेलिंग चलती है हर कंट्री में सिटीजन होते हैं हर कंट्री में टैक्स कलेक्शन होता है तो ऑपरेटिंग स्टाइल इज कॉल्ड एज वॉट

तो अपनी कॉपी में एवरीबडीज सपोज टू राइट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस से लेकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तक चल रही है कुछ ऐसा होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐसा ये प्राइवेट कंपनी का है ऐसा ही पब्लिक कंपनी का भी होता है वॉट इट क्लियर एंड देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ये होते हैं चल रहे नजर आ रहा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दिखा हुआ तो ये मेमोरेंडम तो सबके अलग अलग होंगे क्यों भाई सबका नाम अलग अलग रहेगा सबका एड्रेस अलग होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ़ बिजनेस अलग हो सकता है अलग तरीके का हो सकता है। कितनी अलग अलग कंपनी के शेयर होल्डर्स की सबका कैपिटल सेम हो सकता है कि सौ 100 करोड़ हजार करोड़ सब लोग मांगेंगे नॉट एट ऑल कुछ कंपनीज आईपीओ लॉन्च करेंगी कुछ कंपनीज ऑफर फॉर सेल देंगी मतलब कुछ गिने चुने लोगों को शेयर बेच दो कुछ कंपनीज हो सकता है बैंक को अपने सारे शेयर बेच दे तो सबका आइडिया अलग अलग होगा तो मेमोरेंडम विल बी डिफरेंट बट आर्टिकल सबका सेम होगा तो लाइक एवरी स्कूल अ डिफरेंट नेम एवरी स्कूल अ डिफरेंट एड्रेस एवरी स्कूल अ डिफरेंट अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन सारी बातों को आप क्या बोल सकते हैं मेमोरेंडम बट हर स्कूल में टाइम टेबल एक पीरियड का चलता ही चलता है हर स्कूल कॉमन बोर्ड से एफिलियेटेड है हर स्कूल में सेम बुक्स चलती हैं हर स्कूल में सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है दीज आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स समझना क्या तो आपका घर जिस लैंड पे लोकेटेड है आपके घर के बाहर का नाम आपके घर की ओनरशिप ये सब मेमोरेंडम है बट घर के अंदर भाई एलईडी बल्ब जो आपके घर में लगा है सबके घर में लगा है जो किचन में आपके यहाँ माइक्रोवेव ओवन है वो बहुतों क्या है जो वॉशिंग मशीन आपके यहाँ बहुतों क्या है जो मेड आपके यहाँ जॉब कर रही हो बहुतों क्या जॉब कर रही है जो सब्जी आपके यहाँ आती है सबके यहाँ आती है जो चक्की फ्रेश चक्की बासी आटा मारे आता वो आपके भी आता है इट इज कॉल्ड चिल्ड्रन आर्टिकल अभी भी नहीं समझना है समझना गया हर कंप्यूटर का एक टीसीपी आईपी एड्रेस होता है ना वो दुनिया में किसी भी दो कंप्यूटर का सेम नहीं हो सकता दैट इज वॉट चिल्ड्रन मेमोर बट सब में विंडोज इलेवन है सब में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है समझना गया सब में कॉमन साइज की एलईडी स्क्रीन है सब में की पे बटन सेम है सब में कनेक्टिविटी एयरटेल की या जियो की होगी इट इज कॉल्ड एज वॉट आर्टिकल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पक्का तो आर्टिकल्स ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं बेसिकली बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन तो बच्चों लिखिए सबने शेयर कैपिटल की डेफिनेशन लिख लीजिए जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी रजिस्टर होगी किस कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग पब्लिक कंपनी वो कुछ पैसा बिजनेस करने के लिए पब्लिक से मांगेगी और इसी पैसे को क्या बोलते हैं शेयर कैपिटल और इसके छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं शेयर बोलते हैं ट भी आपको दिखाए जाएंगे आप परेशान मत होइए। बच्चों जैसा कुछ कुछ भी दुनिया में नहीं चलता, सब हो हो गया, हो गया चलिए। सर इसका क्या मतलब होता है सर हमने तो कैपिटल के बारे में एक एंट्री पढ़ी थी class में कैश टू इट यहाँ पे उसी एंट्री के ऊपर काफी रिसर्च करना है आपको So, जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ता है कि मैक्सिमम कितना पैसा हम पब्लिक से मांगने के लिए परमिटेड होंगे तो आपको प्रोस्पेक्टिस वगैरह में लिखनी पड़ती है बात इसके बेसिस पे पुराना कंपनीज एक्ट बोलता था साढ़े तीन परसेंट फीस देनी पड़ेगी नए कंपनीज एक्ट में फिफ्टीन परसेंट नहीं पॉइंट वन फाइव परसेंट का प्रावधान है तो अगर 20 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा करना है तो इसका पॉइंट वन फाइव परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा जैसे आप घर खरीदते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस देते हैं रजिस्ट्री फीस देते हैं वैसे ही ये भी होता है चिल्ड्रन वॉट इट तो सो so कॉल्ड आप इस कैपिटल को ऑथोराइज बोलते हैं क्योंकि इससे ज्यादा पैसा आप पब्लिक से वसूल नहीं सकते किसी के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा एंड दिस इज आल्सो ऑल्सो एज व्हाट नॉमिनल कैपिटल क्यों बोलते हैं क्योंकि आप भाई कहेंगे कि हम दो करोड़ शेयर छोटे छोटे यूनिट्स लेंगे पब्लिक को बेचकर पैसे कितने एक यूनिट कितने का होगा दस रुपए का जिस जमाने में सर्टिफिकेट चला करता था उस सर्टिफिकेट के ऊपर दस रुपए लिखा होता था तो दिस वैल्यू वॉज कॉल्ड एज फेस वैल्यू वॉट फेस. फेस क्योंकि अब सर्टिफिकेट होता ही नहीं है सब डिजिटल फॉर्म में चलता है तो हम उसे फेस वैल्यू की जगह बोलते हैं बच्चों नॉमिनल एक नॉर्मल वैल्यू यू कैन से वॉट इट लेयर That's why इसका प्लूरल क्या बन गया नॉमिनल कैपिटल समझ में आ गई बात कि नहीं आई पक्का तो ऑथराइज कैपिटल इज जस्ट लाइक दैट पापा अ वेरी ह्यूज पीस ऑफ लैंड गॉट इट रजिस्टर्ड इन इज नेम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अथॉरिटी ले ली कि भाई पंद्रह फ्लोर की बिल्डिंग बनवानी है म्यूनिसिपल अथॉरिटी उसके बेसिस पे एक फीस चार्ज करती है आप पंद्रह फ्लोर बनवाइए ग्यारह बनवाइए दस बनवाइए उनसे मतलब नहीं है पंद्रह के ऊपर अगर गया तो इलीगल साबित हो जाएगा दे विल डिस्ट्रॉय इट इट डैमेज डिसमेंटल कर देंगे तोड़ देंगे बुलडोजर लाके या आपसे पेनल्टी ले लेंगे दोनों में से कोई एक चीज हो जाती है इज दैट क्लियर सो दैट कैपिटल विच इज मैंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जितना पैसा एट मैक्स आप पब्लिक से ले सकते हो इज नोन एज वॉट चिल्ड्रन ऑथोराइज कैपिटल समझ में आ गई बात अब कंपनी को लग रहा है कि भाई बीस करोड़ रुपए स्टार्टिंग में लेकर क्या करेंगे बहुत ज्यादा जरूरत तो है नहीं पैसे की तो सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे कि हमें पंद्रह करोड़ रुपए दे दीजिए कितना दैट पार्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज वॉट चिल्ड्रन तो इशूड कभी भी ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकती बराबर हो सकती है कम हो सकती है बट ज्यादा कभी नहीं हो सकती तो जितना लैंड एरिया आपने खरीदा कि उससे ज्यादा में कंस्ट्रक्शन करवाओगे पड़ोसी घर में घुस जाओगे उससे ज्यादा नहीं हो सकता चार सौ पेज की कॉपी है सवा पेज लिख लोगे नॉट एट ऑल नई कॉपी लेनी पड़ेगी तो दिस इज नोन एज इशूड तो मेरे एग्जाम्पल पंद्रह करोड़ ऑथराइज कितना कितना था होगा द रिमेनिंग करोड़ रुपीज सर ये क्या करेंगे रखे रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी देन वी विल डिमांड मनी फ्रॉम द पब्लिक समझ में आ गई बात अच्छा सर मान लीजिए जिंदगी भर जरूरत ही ना पड़ी तो अरे कभी तो पड़ेगी पड़ेगी सर मान लीजिए ना पड़ी और कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज में आ गई तो वाइंडिंग अप के टाइम पे लोगों से कहेंगे हमारी हालत खराब है है वी आर द प्रोसेस ऑफ अप हो रहा है। प्लीज पैसा दो होल्डर पागल है जो बंद होती हुई कंपनी को पैसा दे देगा पागल है ये आज का होमवर्क है आपको ढूंढ के आना है कि शेयर होल्डर जिस कंपनी का डिजोल्यूशन होगा उसको पैसा देगा कि नहीं देगा मेरे ओपिनियन में देगा थोड़ा तो सा ज्ञान आपको दे दूंगा तो आप भी पैसा देंगे रीजन मेरे को चाहिए क्या सोच के वो पैसा देगा होमवर्क इज अंडरस्टूड वेल चलिए अब जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाएगा कि हम पंद्रह करोड़ रुपए के शेयर्स बेचना चाहते हैं दस रुपए का एक शेयर है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने चल रन डेढ़ करोड़ पब्लिक हो सकता है वन पॉइंट फोर करोड़ शेयर्स खरीदना चाहे हो सकता है वन पॉइंट फाइव और हो सकता है वन पॉइंट एट अगर पब्लिक ज्यादा शेयर खरीदना चाहती है द वर्ड द वर्ब द कंटेंट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन जितने शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है पब्लिक कम खरीदना चाहती है इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन और जितना कंपनी बेचना चाहती है पब्लिक उतना ही खरीदना चाहती है इट इज सब्सक्रिप्शन एट पार इतनी बातें सबको समझ में आई पक्का तो जस्ट लाइक दैट यूनिवर्सिटी में डेढ़ करोड़ सीट्स हैं कम बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं उतने भी अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा भी ये डिपेंड करता है कंपनी की रेप्यूटेशन क्या है आई रिपीट कंपनी की रेप्यूटेशन क्या है समझे बात को या उड़ गया ऊपर सब कुछ समझ गए चलिए देर आफ्टर अगर लोगों ने 1.4 करोड़ के लिए अप्लाई किया और कंपनी 1.5 करोड़ शेयर्स बेचना चाहती है पॉइंट वन करोड़ पीपल आर नॉट विलिंग टू अप्लाई क्या बोलेंगे इसे अनसब्सक्राइब ये सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में होगा बाकी जगह पैसा नहीं हो सकता ओके अब मान लीजिए बच्चों दस रुपए का एक शेयर है कितने रुपए का तो कंपनी पूरे पैसे आज की तारीख में एक साथ मांगती है बट डेज वर देर जब कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मांगती थी कैसे मांगती थी तीन रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे दे दो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा वील प्रोसेस इट विल सी टू इट कि सो कॉल्ड आप शेयर देने लायक हैं कि नहीं आप कोई अलकायदा वगैरह के मेंबर तो नहीं है देन हम आपसे क्या मांगेंगे अलॉटमेंट उसके बाद हम आगे के इंस्टॉलमेंट मांगेंगे नेम डैस फर्स्ट कॉल और उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चलेगा जो आखिरी होगा उसके साथ स्टिकर क्या चिपकाना है अगर सर यहीं पे पूरा पैसा मांग लिया जाता तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल समझ में आ गया तो सर ये है क्या कॉल्ड अप कैपिटल पे डब uh, इसके बाद आएगा पहले साल में कंपनी कह रही है तीन रुपए एप्लीकेशन का दे दो चार रुपए अलॉटमेंट का और दो रुपए फर्स्ट कॉल का टोटल कितना हो गया बच्चों ये वाला पैसा बाद में मांग लेंगे एक रुपए ओके okay, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी बच्चों बट अगर कंपनी कह रही है हमें तीन रुपए एप्लीकेशन चार रुपए अलॉटमेंट तीन रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपसे लेना है अब देखिए तीन ही स्टेजेस हैं तो पहली स्टेज को क्या बोलेंगे एप्लीकेशन सेकेंड स्टेज को और तीसरी को कॉल्स बोलेंगे क्या बोलेंगे तो एक ही साथ अगर अलॉटमेंट के बाद पूरा मांग लिया तो फर्स्ट एंड फाइनल चार इंस्टॉलमेंट में मांगा अलॉटमेंट के बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर चार और फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल थर्ड कॉल और फोर्थ एंड फाइनल आखिरी का नंबर और एंड फाइनल का स्टिकर चिपकाना है साथ में समझ गए तो मेरे इस एग्जाम्पल में कुल कितनी स्टेजेस है चिल्ड्रन थ्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल कंपनी कह रही है स्कूल में फीस नहीं देते हैं कहा से पूरे पैसे दे देंगे तो जिन्होंने पैसे दिए बहुत बढ़िया मजा आ गया आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो और जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए कुछ घपला घोटाला कर गए उस पैसे को क्या बोलते थे हम outstanding यहाँ outstanding नहीं बोलते यहां बोलते हैं कॉल इन अरियर्स वॉट तो सर कंपनी इनके ऊपर कोई पीनल एक्शन लेगी सब पढ़ेंगे परेशान मत होइए कुछ ऐसे भी अच्छे लोग हैं महान आत्माएं हैं जो मांगने से पहले ही पैसा दे देते हैं दैट इज नोन एज वॉट कोई लोग अच्छे बच्चे नहीं है जो लोग एडवांस पैसा भेजेंगे कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है तो पर्सन क्या सोचता है यार बैंक में पैसा रखेंगे तो तीन मिलेगा कंपनी को दे दो दस ग्यारह परसेंट भी मिल सकता है तो जो हमने टोटल रजिस्ट्रेशन कराया इससे ज्यादा पैसा हम नहीं मांग सकते That capital is registered. जितना चाहते हैं मांगना जो नहीं चाहते वो अनश्योर्ड जो लोग चाहते हैं अप्लाई करना सब्सक्राइब जो नहीं चाहते वो अनसब्सक्राइब पर शेयर अभी तक प्लूरल रहा था अब सिंगुलर हो गया पर शेयर जितने पैसे हम मांगेंगे बच्चों इट इज कॉल्ड अप उसमें से जितना मिल गया दैट इज नोन एज पेड अप दैट इज नोन एज वॉट अप जो नहीं मिला आरियर एक्सेस मिल गया एक्स्ट्रा मिल गया मांगने से पहले इज एडवांस इतनी बात समझ में आ गई तो हमारे एग्जाम्पल में शेयर कितने का है बच्चों टेन कंपनी कह रही है ये जो लास्ट का सो so कॉल्ड एक रुपए है आई रिपीट लास्ट का एक रुपए जब वक्त बुरा होगा तब मांगेंगे वरना नहीं मांगेंगे वक्त बुरा कब होगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा एकदम झटके से आंसर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे आपको पता है कंपनी की हालत खराब है देंगे आप पैसा नहीं देंगे ना वेरी गुड बिल्कुल नहीं देंगे देना भी नहीं चाहिए बट कंपनी ने ये रेजोल्यूशन लिखा हुआ है कि ये पैसा तभी मांगेंगे जब हमारी हालत खराब होगी सर लोग देंगे क्यों यही तो होमवर्क है इस पैसे को सिर्फ तब मांगा जाएगा जब हालत खराब होगी क्या बोलेंगे इसको रिजर्व, रिजर्व कैपिटल जैसे व्हीकल में रिजर्व लग जाता है ना खतरे की घंटी फ्यूल कम हो गया भरवा लो तो सर कोई आदमी पागल है उसको पता है कंपनी बंद हो रही है क्या पैसे देगा आपके मोहल्ले में परचून की दुकान थी उसके सौ रुपए बाकी है अभी आपने देने हैं और उसकी दुकान बंद होने की कगार पे है देंगे आप सौ रुपए आप भाग जाएंगे आपको बंदी और रहा है पैसा समझे कि नहीं समझे बट क्यों ऐसा करेंगे यही आपका होमवर्क है चिल्ड्रन तो सबको कहानी क्लियर हो गई वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल तो एक बस इस सीक्वेंस में नहीं, right, so नहीं में है दैट मेक यू राइट नॉट टू वरी ये गई तो जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें से जो हम पब्लिक से पैसा मांगेंगे शेयर जो हम पैसे डिमांड करेंगे दैट इज नोन एज कॉल्ड अप पब्लिक ने जो पैसे दे दिए इट इज पेड अप जो नहीं दिया वो अर और जो एक्सेस दे दिया वो एडवांस द टर्म्स आर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल पक्का और अगर कंपनी पहले से प्लान बना के बैठी है दैट सम अमाउंट विल ओनली एंड ओनली बी डिमांडेड व्हेन वी विल बी हैविंग वाइंडिंग अप सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही मांगेंगे उसके पहले नहीं मांगेंगे अगर कोई अभी जवाब देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है क्यों वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी का खस्ता हाल है बैंड बजी हुई है बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे हैं मेरे या आपके जैसा शेयर होल्डर क्या पैसा देगा आपका तो पता नहीं मैं तो दे दूंगा किसी के पास जवाब है कि मैं बेवकूफी क्यों कर रहा हूं सोचिए 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 सर हम ढूंढ जाएंगे आप इस रास का पर्दा फाश मत करिए हम ढूंढ जाएंगे लेट्स सी किसने किसने नमस्ते इंडिया का दूध पिया है बॉनविटा पिया है पिया है ढूंढ जाइएगा क्यों लोग वाइंडिंग टाइम पे जब कंपनी की हालत खराब है पैसा देंगे समझना क्या ये जवाब बसमत दीजिएगा सर अगर पैसा नहीं देंगे ना तो कंपनी केस कर देगी हमारे ऊपर वो अपना निपटेंगे आपके ऊपर केस करेंगे वॉट इट बट मेरे जैसा शेयर होल्डर पैसा देगा और कंपनी चोरी छुपे रिजोल्यूशन नहीं कर सकती हमारा अपना मतलब कंपनी को पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अप हम बंद हो रहे हैं कृपया करके हमारे एक रुपए दो रुपए जो बचे थे वो दे दीजिए और जो अकलमंद लोग होंगे वो देंगे क्यों वो ऐसी बेवकूफी करेंगे दिस इज योर होमवर्क ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर